स्मृति ईरानी को काले झंडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को रामपुर के दौरे के दौरान कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर उनका भारी विरोध किया। कांग्रेस का आरोप है कि जब स्मृति ईरानी 400 का सिलेंडर का विरोध करती थी, मगर अब वही सिलेंडर 1100 रुपए की कीमत से ज्यादा का है और अब वे उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलती हैं। कांग्रेस ने हिंदी मूवी क्रांति के तहत महंगाई को मुद्दा बनाया है। हिमाचल कांग्रेस और काले झंडे, बाद में आते हैं क्या हुआ, शायद अब तक खबर पहुंची हुई, हम उसके दूसरे पहलू से बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद, अंतर्विरोध क्यों हम कह रहे हैं, ये जो बीच में बड़े नेता, आपको बिलासपुर में कल क्या हुआ है वो समझ सब ध्यान में ही होगा, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि फिर बहुत वक्त लग जाएगा। इसके बावजूद कांग्रेस को जब भाजपा को फेस करना होता है ना ओकार जी, तो वो यूनाइट भी दिख रही है, जोश में भी दिख रही है अभी तक, जो हमारे हम जो एक्सपर्ट के नज़रिए से हम देख पाएंगे। कल जैसे कांग्रेस ने शिमला में सिलेंडर का अंतिम संस्कार जो एक प्रतीकात्मक किया उन्होंने, वो फूल वूल हाल वार चढ़ा के किया, उस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? महिलाओं ने महिलाओं को संदेश दिया बहुत महंगाई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल अनिल जी, आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रही है। महिलाओं ने महिलाओं को संदेश ये दिया कि रसोई बनाने में महिलाओं का ज़्यादातर समय जाता है, रसोई में महिलाओं की उपस्थिति आप देखेंगे ज़्यादा रहती है जे। और महिलाओं को ये संदेश दिया गया कि गैस जो है, घरेलू गैस जो है वो 2014 से पहले 400 रुपये में मिला करती थी, आज वो 1100 रुपये के करीब है, तो इसलिए एक प्रतीकात्मक तौर पे उसका दाह संस्कार किया गया और ये संदेश दिया गया। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस की अलका लांबा, प्रदेश की अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह धार दे और पूरे कांग्रेस महिला कांग्रेस की यहाँ जो अध्यक्ष हैं जैनब चंदेल जी, तो इन तीनों ही नेत्रियों ने इस जनहित के मुद्दे को इस तरह से उठाया है कि आने वाले समय में भी इसी तरह के जनहित के मुद्दे जो है वो कांग्रेस उठाती रही और उठाती रहेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। देखिए, जो इलेक्शन मुद्दों पे लड़े जाते हैं, सत्ता पक्ष के पास जब भी, जैसे भाजपा ने कहा है जयराम ठाकुर साहब की सरकार ने कि हम मिशन रिपीट के लिए जा रहे हैं, वो अपनी उपलब्धियां लेकर जाती हैं, जबकि विपक्ष के पास हथियार होता है नाकामियां या नाकामियां गिनाना। अब ये तो है ओंकार जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहां एक सिलेंडर 450 रुपए के पास होता था और अब वो 1150 रुपए से तो ऊपर चला गया, 1150 समझिए चुभे, इसे बनाया जा रहा है मसला कांग्रेस की ओर से महंगाई से। अभी क्योंकि सिलेंडर एक प्रतीक है जी, हर घर का प्रतीक है, खाना सबको चाहिए, और जैसे कि अब सरकार का भी कहना है कि गृहिणी योजना, उज्ज्वला योजना, सारी योजनाएं जो हैं वो उसके थ्रू हर घर में सिलेंडर है, ऐसा मान लेते हैं। वो हो गया प्रतीक एक, और जब वो प्रतीक महंगा है तो महंगाई का संदेश चला गया। बिल्कुल यही है ओंकार जी, यही वजह है। तो देखिए, एक और बड़ी अजीब चीज़ है जो एक्सपर्ट मानते हैं और कांग्रेस भी परेशान रहती है, कितनी महंगाई जनता नहीं बोलती है जी, तो जनता को बार बार नॉक किया जा रहा है कि जी हमारा मुद्दा है महंगाई, है सोचिए जरा इस बारे में, ये कांग्रेस की तरफ से। अब कामयाबी कितनी मिलती है अलग बात है। अच्छा जी, हम कर रहे हैं कांग्रेस के तेवर की बात। दूसरा क्वेश्चन मेरा ओंकार जी आपसे, आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, सभी जानते हैं उनके बारे में, बहुत तेज तर्रार नेत्री हैं, हमेशा कांग्रेस को फोरफ्रंट पे घेरती रही हैं, वो हिमाचल में हैं और आज थी रामपुर के दौरे पे। जी जी जी, रामपुर कौन सा? मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का गृह क्षेत्र, गढ़ भी कह लीजिए, गृह क्षेत्र का ये गढ़ तो कांग्रेस का जैसे दावा है कि पूरा हिमाचल ही उनका गढ़ था। आज उनको रामपुर पहुंचने पे स्मृति ईरानी को काले झंडे दिखाए गए, ओंकार जी क्या अपडेट है और उसके मायने क्या हैं आपकी नज़र में? बिल्कुल, स्मृति ईरानी जी को काले झंडे इसलिए दिखाए गए हैं कि वही जनहित का मुद्दा उठाया गया, वही घरेलू गैस सिलेंडर का मुद्दा उठाया गया। स्मृति ईरानी जी आज रामपुर के शिंगला में आई हुई थी, वहाँ उन्होंने भाजपा के चुनाव प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखानी थी। जैसे ही वह वहाँ पहुँची हैं तो महिला और कांग्रेस की एक जो है, एक कांग्रेस ने एक योजनाबद्ध तरीके से उनका घेराव किया, काले झंडे लगाए दिखाए गए उनको, जो है वो नारेबाजी और काफ़ी बड़ा एक प्रदर्शन किया गया है।
तो फिर वही है कि मुद्दों के आधार पर कांग्रेस जो है वो भाजपा को घेरने की पूरी रणनीति के तहत जो है वो काम कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो काले झंडे दिखाने वाली बात है, देखिए ओंकार जी कल ही बता दिया गया था कि रामपुर में जब स्मृति ईरानी पहुंचेंगी तो ऐसा किया जाएगा, सफल भी रही। हाँ, सफल भी रही। बात वही है कि स्मृति ईरानी अतीत में महंगाई का मुद्दा जब कांग्रेस की सरकार होती थी उठाती रही है, सिलेंडर के दामों पर भी उठाती रही है, मुखर हमेशा रही है। तो इसलिए वही एक कांग्रेस बीजेपी का बड़ा चेहरा महिलाओं के लिए खास करके, तो उनको ये भी एक प्रतीक है। जी जी, कल सिलेंडर प्रतीक था, आज स्मृति ईरानी प्रतीक हैं। ये कांग्रेस के जोश का आलम है अभी तक। भाजपा की बात हम बाद में करते हैं, पहले आप ओंकार जी एक और चीज़ बताइएगा। जी जी, हिमाचल कांग्रेस, वैसे इसमें कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है जो हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका कुछ सिग्निफिकेंस है। चुनाव नजदीक है और एक अभूतपूर्व घटनाक्रम से कांग्रेस गुजरने जा रही है। अभूतपूर्व इसलिए कि कांग्रेस अध्यक्ष का होना है चुनाव, पहली बार शायद केंद्रीय स्तर पर। हिमाचल कांग्रेस ने एक निर्णय लिया है जिसके साथ ही वो सोनिया गांधी जो हैं उनके साथ लामबंद खड़ी नजर आएगी पूरी हिमाचल कांग्रेस। क्या मामला है? बिल्कुल, मामला यही है अनिल जी के जो 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होने हैं कांग्रेस के, तो उसके लिए 19 सितंबर को भाजपा कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपा दास मुंशी जी, वो शिमला पहुंचेंगी और हिमाचल कांग्रेस की तरफ से सिंगल लाइन रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। उस प्रस्ताव के जरिए ये संदेश दिया जाएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए हम जो हैं सोनिया गांधी जी को अधिकृत करते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये कदम लिया। जी 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 बिल्कुल, देखिए इसके मायने ये हैं कि हिमाचल कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी जब चाहें पूरे एक तरह से वोट या जितना भी होगा हिमाचल का से उनके हाथ में होगा कि वो जिसे चाहेंगे जिस उम्मीदवार को चाहेंगे उनके साथ हिमाचल कांग्रेस को जोड़ सकती हैं कि हिमाचल का पूरा समर्थन उनके साथ है। शायद बाकी प्रदेशों में भी ऐसा होगा, प्रतीकात्मक है, लेकिन चुनाव नजदीक आ रहे हैं। कौन नेता होंगे ये भी देखना होगा उस दिन, कौन कौन नेता उपस्थित होंगे और क्या क्या कहा जाएगा, क्योंकि हाईकमान से सीधे संबंध बनाने की बात भी है। इलेक्शन बहुत नजदीक है और कांग्रेस बिना चेहरे के ये इलेक्शन लड़ने जा रही है, लगभग पहली बार इतिहास में अगर हम देखें तो। अच्छा ओंकार जी, कांग्रेस की एक और खबर, क्योंकि आज खबरें ज़्यादा हैं ही कांग्रेस की तरफ से, इसलिए हम यहीं पे, बाकी दलों की ओर से अगर हैं भी घटनाक्रम तो प्रकाश में नहीं आया हम तक, नहीं या हम ये कहें कि हम पहुंच नहीं पाए उन घटनाक्रमों तक। खबर ये है कि 21 सितंबर को हिमाचल के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 38 क्षेत्रों के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवार लगभग तय कर लेगी, लगभग नहीं तय कर ही लेगी। घोषणा कब होती है वो अलग बात है, 30 पे फिर भी पेंच फंसा रह जाएगा, क्या मामला है? बिल्कुल अनिल जी, 21 और 22 सितंबर को जो केंद्र की स्क्रीनिंग कमेटी है कांग्रेस की, उसकी मीटिंग दिल्ली में होने जा रही है और इस मीटिंग में 21 सितंबर को ये जो मीटिंग है इसमें जो इलेक्शन है उसमें जो कैंडिडेट होंगे तो 38 जो हैं लोगों के चेहरे जो हैं वो साफ हो सकते हैं। इनके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि ये 38 लोग ऐसे हैं जिनके सिर्फ सिंगल नाम जो है वो उस लिस्ट में दर्ज किया गया है, इनके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं है, तो ये 38 जो हैं इनको शायद हरी झंडी मिल सकती है, उस दिन इनके नाम जो हैं फाइनल हो सकते हैं। बाकी बचते हैं 30 लोग, तो 30 लोगों को फाइनल करने के लिए भी कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। इन्हीं दो दिन की 21 और 22 की जो मीटिंग होगी इसी में स्थितियां जो हैं काफ़ी स्पष्ट देखने को मिल सकती हैं। और कांग्रेस ने एक संदेश दिया है, एक सार्वजनिक संदेश है ये कि हम अक्टूबर के पहले हफ्ते में सारे ही जितने भी 68 विधानसभा क्षेत्र हैं उनके कैंडिडेट्स जो हैं उनके नाम घोषित कर देंगे। जी देखिए, योजना तो यही है कांग्रेस की, सीधी सी बात है 31 तारीख को वो मीटिंग होनी है जो पहले 15 तारीख को होनी थी, अब तक वो हो गई होती जैसे एज पर शेड्यूल। उसके बाद कहा गया कि कुछ स्वास्थ्य की वजह से मीटिंग 20 को गई, अब शायद 21, शायद नहीं पक्का है 21 को होगी वो। 38 क्षेत्रों के बारे में कहा जा रहा है कि सिंगल नेम गया है, हालांकि इन क्षेत्रों में के लिए भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। वो कौन है? सिटिंग MLAs हैं, आपको भी बताया हम यहाँ पे इस मंच पे कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं कि वहाँ के लिए भी लोगों ने अप्लाई किया था, चाहे वो सिटिंग MLA हैं उनके खिलाफ, प्लस जो पदाधिकारी हैं उच्च स्तर के कांग्रेस के, हिमाचल कांग्रेस के, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हैं या फिर प्रदेश स्तर पर हैं, उनके लिए भी टिकट ओके किया गया है कि जी आपका तो दावा बनता ही है। हाँ, लेकिन चलिए इसको अगर ओके कर भी दिया जाता है ओंकार जी, एक्सपर्ट मानते हैं कि जो असली पेच होगा ना वो 30 के लिए होगा। और जिस तरह से आप कांग्रेस का भीतरी मनमुटाव सामने देख रहे हैं जो कि अब सार्वजनिक मंचों पर वरिष्ठ नेताओं के जरिए छलकने लगा है,
वो थोड़ा सा टेंशन में डालने वाला है कांग्रेस को। जी आसान डगर होगी नहीं जहां तक 30 की बात होगी। जी जी बिल्कुल। कैसे ये अनफोल्ड होगी चीजें आप नजर बनाए रखिएगा हमारे कार्यक्रम पे। हम बीच की खबर आपके पास लेके आया करेंगे, अंदर की खबर लेके आया करेंगे। भाजपा की बात कर लेते हैं, सरकार की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ओंकार जी, आज कांग्रेस हिमाचल भाजपा के लिए, जी जी बिल्कुल, या आप ये कहिए पूरे पूरी भाजपा के लिए, पूरे देश की भाजपा के लिए, उसके साथ ही हिमाचल भाजपा के लिए बड़ा दिन है। आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जन्मदिन। तो इसमें आज एक तो प्रदेश भर में खुशियां मनाई गई ओंकार जी, और दूसरा मुख्यमंत्री ने भी इस अवसर पर हिमाचल को एक बड़ा, अब ये कही अनोखी तरह से एक संदेश भी दिया और साथ ही साथ में तोहफा भी दिया। क्या आप इस पे क्या कहेंगे सारी घटनाक्रम पे आज? बिल्कुल अनिल जी, आज आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री का जो आवास है ओकओवर, वहाँ आप आज पा सकते हैं कि दिवाली जैसा माहौल था। और वजह ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्मदिन था, तो इस जन्मदिन को बहुत खूब धूमधाम के साथ मनाया गया है। और इसी दिन को जो है 17 LED वाहनों को चुना गया है चुनाव प्रचार के लिए, चुनाव प्रचार ही कह सकते हैं, हालांकि ये उपलब्धियां केंद्र और राज्य सरकार की क्या उपलब्धियां हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल, इन वाहनों पे LED लगे होंगे और उन्हीं के माध्यम से प्रचार किया जाएगा कि केंद्र और राज्य की क्या उपलब्धियां रही हैं। सही है। और इसी मौके पे कई जगह जो है रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, और मुख्यमंत्री ने एक संदेश भी दिया है कि हम प्रदेश में जो भी विकास कर पाए हैं वो डबल इंजन सरकार के होने के नाते ही ये हो पाया है। तो इस तरह से उनका एक सकारात्मक संदेश ये था कि हम मिलकर जो है केंद्र और राज्य जो मिलकर हैं वो प्रदेश को और आगे ले जाने के लिए सक्षम हुए। यहाँ भी एक संदेश छुपा है ओंकार जी, हम दर्शकों को बताएं, दर्शक हमारे जागरूक हैं लेकिन फिर भी हम अंदर यहाँ पे भी वही चीज का एक संदेश दिया जा रहा है हिमाचल सरकार की ओर से कि केंद्र और हिमाचल हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ रहे हैं, डबल इंजन का एक संदेश दिया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हमें चुनिए क्योंकि केंद्र में हम बैठे हैं और हमारे पास सब कुछ है, एक तरह से वो संदेश है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, उसमें हिमाचल में जगह जगह पे मिठाइयाँ बटी हैं, और भी शिमला की आपने बात की, पूरे प्रदेश में आज हुआ है। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने भी इसके विरोध में बेरोजगारी को लेकर, बढ़ती बेरोजगारी को लेकर रैलियाँ की हैं। चलिए ये हो गया। अच्छा ओंकार जी, अंतिम प्रश्न मेरा सेगमेंट में, अब ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में चुनावों की उल्टी गिनती, ऐसे कहिए चुनाव आचार संहिता लगने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है ओंकार जी, क्या वजह है ये, ऐसा क्या होने के पीछे कि क्या ये मुख्य चुनाव आयुक्त का दौरा तय हो गया है, यही वजह है, क्या देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, 22 से 24 सितंबर के बीच में 3 दिन के दौरे पे भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, वो यहाँ हिमाचल में आ रहे हैं, और यहाँ वो यही देखने आ रहे हैं, यही समीक्षा करने आ रहे हैं कि यहाँ चुनाव की किस तरह से तैयारियाँ हो रही हैं, और जो जरूरी दिशा निर्देश जो हैं वो यहाँ के अफसरों से फीडबैक लेकर जो है उनको दिए जाएंगे, और कब और किस तरह से आचार संहिता को लागू करना है, किस वक्त करना है, इस तरह की कई गोपनीय बातें भी आपस में वो डिस्कस करने वाले हैं। तो इस 3 दिवसीय दौरे के बाद जो है वो एक संकेत मिलना शुरू हो जाएगा कि अब जो है वो आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है। जी जी, हालांकि देखिए एक रूटीन प्रोसेस होता है जहाँ पे इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद जाते हैं जहाँ पे चुनाव होने होते हैं, या फिर केंद्रीय चुनाव जो आयोग है वहाँ से कोई ना कोई जरूर जाते हैं, बड़े ये जो होते हैं चुनाव आयुक्त जो होते हैं उपायुक्त होते हैं। 22 से 24 तक आ रहे हैं ओंकार जी, जैसे आपने कहा, इसका मतलब ये है कि वो पहले तो यहाँ पे सारी तैयारियाँ परखें जैसे आपने कहा, फिर उसके बाद सारी रिपोर्ट्स ले जाएंगे दिल्ली अपने साथ, जी बिल्कुल, और फिर उन पे चर्चा होगी, मंथन होगा सारी तैयारियों पे, कुछ अगर सुझाव देने हैं तो दिए जाएंगे प्रदेश को, और फिर उसके बाद चुनाव आचार संहिता। अभी भी एक्सपर्ट यही मान रहे हैं कि वही शायद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तक ऐसा हो सकता है। हो सकता है, जी जी। तो देखिए जो भी होगा, हिमाचल में तैयारियां सबकी हैं, यहाँ पे सरकार तैयार है मिशन रिपीट के लिए जाने के लिए, विपक्ष तैयार है कि हम दोबारा से सत्ता में लौटेंगे, और अफसर भी और मशीनरी भी तैयार है कि हम चुनाव के लिए रेडी हैं, आप भी तैयार हैं, मतदाता भी तैयार है, बोले चाहे कोई ना बोले। जी बिल्कुल। तो देखते रहेंगे, हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी सभी घटनाक्रमों पर, राजनीतिक हम रोज़ इसी मंच पर आपके लिए वो लाते रहेंगे, अलग हट के जो चीज़ें होती हैं, खबरों के बीच की खबर होती है जो।